डियर व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फारूकी ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 12 का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स पढ़ेंगे। इसमें हम डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके एग्जांपल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। रिप्रोडक्शन मीन्स ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग और यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। ने हर और कोई भी ऑर्गेनिज्म से एक न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जैसे ऑफस्प्रिंग या यंग वन या यंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। रिप्रोडक्शन ये फंडामेंटल प्रोसेस है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है और जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने वो रिप्रोडक्शन के वजह से पैदा होते हैं। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, जनरली कॉमनली टू टाइप्स। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स या गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता है। इसमें गैमिट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हर तमाम जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में सबका अपना अपना रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है। पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। इस प्रोसेस से, इस मेथड से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स होती है, जैसे पहला फ्रैगमेंटेशन। ये प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉमन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, और हर फ्रैगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। जैसे एक एग्जांपल है स्पायरोगैरा, ये स्पायरोगैरा है और ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया है, और हर फ्रैगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू स्पायरोगैरा में डेवलप होता है। तो ये फ्रैगमेंटेशन है। इन शॉर्ट फ्रैगमेंटेशन मीन्स द ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इंटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जाम्पल स्पायर वगैरह। नेक्स्ट असेक्चुअल की दूसरी टाइप है बडिंग। बडिंग क्या है कि एक आउटग्रोथ होता है जो, या इट इज़ मोस्ट कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। आउटग्रोथ इज अराइज ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन सेपरेशन। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। जब ये बड धीरे धीरे ग्रो होती है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और बड अपने पेरेंट सेल से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ईस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है
नेक्स्ट मेथड स्पोर फॉर्मेशन। कुछ एल्गी ऐसी है जो स्पोर्स के जरिए में रिप्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल क्लाइमिडोमोनास। क्लाइमिडोमोनास इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये इसका प्रोटोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होती है। ये मोटाइल होता है, मोटाइल मीन्स इसमें जूस्पोर, ये जूस्पोर, ये फ्लाजेला होते हैं इसके, और इसके ज़रिए ये मूवमेंट कर सकता है, इसलिए इसे मोटाइल सेल कहेंगे। इसमें इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट माइटोसिस के ज़रिए, उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और माइटोसिस से वो 2, 4, 8 और अप टू 16 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, स्पोर्स बनते हैं। हर स्पोर को जूस्पोर कहा जाता है। जूस्पोर क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से बने हैं, इसलिए इनके इन पर कवरिंग या सेल वॉल नहीं होती है, और जब सेल ये अपने ऊपर सेल वॉल डेवलप करते हैं, और एक एडल्ट क्लाइमिडोमोनास में डेवलप हो जाते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए ही भी रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग्जांपल क्लाइमिडोमोनास। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस स्पेशली इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये इस तरह का रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स के किसी भी पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इनके ज़रिए न्यू प्लांट बनता है। जैसे कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की दो टाइप्स, एक कटिंग है और दूसरा ग्राफ्टिंग है। कटिंग में लीफ कटिंग होती है, स्टेम कटिंग होती है और रूट कटिंग होती है। लीफ कटिंग एक सेंसवीरिया प्लांट जिसे स्नैक प्लांट कहते हैं उसके ज़रिए होती है। स्टेम कटिंग रोज और बोगेनविलिया में भी होती है, काक्सी फूल, और रूट कटिंग ब्लैकबेरी में। लीफ कटिंग देखिए स्नैक प्लांट है सेंसवीरिया, इसके लीफ को कट करके सॉइल में लगाए तो उसमें न्यू प्लांट में डेवलप होता है। नेक्स्ट है स्टेम कटिंग, ये कॉमनली रोज़ प्लांट को इसी स्टेम कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं। रोज़ के स्टेम को कट करके उसको सॉइल में, ज़मीन मिट्टी में लगा दिया जाता है, उससे न्यू लीव्स बनते हैं उसके, और न्यू प्लांट बनता है, लीव्स ग्रो होते हैं, न्यू प्लांट बनता है। नेक्स्ट है ब्लैकबेरी, ये इसमें रूट्स के ज़रिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ब्लैकबेरी इसकी रूट है, इनमें से रूट से न्यू प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट बनाया जाता है, जिसमें एक प्लांट रूटेड प्लांट होता है जिसे स्टॉक कहते हैं, और दूसरे प्लांट की ट्विग ली जाती है जिसे साइन प्लांट कहते हैं। दोनों प्लांट को कंबाइन करके इस तरह से बांध दिया जाता है जो सिंगल प्लांट के तौर पर डेवलप ग्रो होते हैं। ये फोटोग्राफ, इसमें ये सायन प्लांट है और ये स्टॉक प्लांट है। दो डिफरेंट प्लांट को इस तरह से बाइंड कर दिया गया है जो सिंगल प्लांट के तौर पर ग्रो करते हैं।
ये ग्राफ्टिंग इन रोज प्लांट में ग्राफ्टिंग को दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।